स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है हमारा राक्षसीपन। एक बार एक राक्षस हुआ करता था। भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। वह कई सालों से भगवान शंकर की तपस्या कर रहा था। भगवान शंकर उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और कहा, मांगो अपना वरदान, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। राक्षस बोला, अगर मुझे अमर होने का वरदान दे दो तो बहुत है। भोलेनाथ बोले, यह संभव नहीं है। जो मनुष्य शरीर में आया है उसे मरना तो पड़ेगा, प्रकृति के विरुद्ध यह कार्य नहीं हो सकता, कोई और वरदान मांगो। राक्षस बोला, फिर आप कैसे भगवान हो? उसने उनके भगवान होने पर शंका जताई। भगवान को बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने कहा, अरे भाई, मैं ही साक्षात भगवान हूँ, इसके अलावा तुम जो भी वरदान मांगोगे मैं दूंगा। वह बोला, ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी के सर पर हाथ घुमा दूं, वह वही भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कहा, तथास्तु। फिर क्या था? राक्षस बोला, भगवान, आपने वरदान तो दे दिया, परंतु मुझे विश्वास कैसे हो कि यह काम करता है? आप कुछ देर इंतजार करो, मैं इसका किसी पर प्रयोग करके देखूंगा। भगवान भी क्या करते, इंतजार करते रहे। कुछ समय तक जब कोई नहीं आया तो राक्षस बोला, भगवान, कोई आ नहीं रहा है, क्यों ना इसका प्रयोग आप पर ही करके देख लेता हूँ, और वह भोलेनाथ की तरफ भागा। इतना सुनते ही भोलेनाथ तो सर के बल भाग खड़े हुए। दोस्तों, यही मनुष्य का कमाल है। हमेशा ध्यान रखें, बेवकूफ इंसान को सत्ता ना दें, ऐसा ज्ञान ना दें जिससे हमको हानि हो। जब मनुष्य का राक्षसी स्वरूप भगवान के लिए समस्या खड़ी कर सकता है तो हमारी और आपकी विसात ही क्या है। मनुष्य को एक दूसरे पर प्रयोग भी बहुत समझकर, संभलकर और जरूरी हो तभी करना चाहिए। अपेक्षा कम से कम रखनी चाहिए। सत्य है कि वही मनुष्य सुखी रहे हैं जो टू द पॉइंट रहे हैं। धन्यवाद।